यहाँ तो काम चल रहा है सब तगड़ा वाला। नेटवर्क की दिक्कत है क्या? कौन सी सिम है भैया? जियो। नहीं यार चल नहीं रहा बिल्कुल भी। वाईफाई ले लो। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। ये तो अच्छी बात है। टायर के लिए रिपोर्टिंग लगा रखी है। हाँ भैया डिलीवरी के ब्लॉग आता हूँ। डिलीवरी के ब्लॉग आता हूँ डिलीवरी के। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शर्मा भाई। आज अपन इस ब्लॉग के साथ कर रहे हैं नाइट से। नाइट से मतलब भाई रात के बज रहे हैं 8। बिकॉज यार सुबह से ना अपन घर थे, सो रहे थे भाई। आज है 27 तारीख, कल 26 थी। 26 का फंक्शन था वैन के यहाँ पे। मैंने आप लोगों को बताया भी था भाई फंक्शन है घर पे वैन के यहाँ पे। तो भाई अपन वहीं थे मतलब 26 में भाई। रात को फ्री हुए थे, रात के सुबह ही फ्री हुए थे। सुबह अपन घर आए थे, अपने घर आके थोड़ा काम वाम किया था, फिर सो गए थे। ब्लॉग ऐसे थे, ब्लॉग भी थे लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि यार मुझे पता था प्रदीप भाई काम वाम हो नहीं पाएगा। अभी अपने पास सिर्फ एक स्लॉट था 8 वाला, ये पे ऑलरेडी पहले से था। तो इस चक्कर में भाई अपने इसको करने आ गए। और अभी इन्होंने दिया अपने को 5 ऑर्डर जो कि एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन पड़ता है अपने को बहुत काफ़ी, अब भी पड़ता है अपने को एक्सटेंशन। हाँ GT और क्रॉसिंग नहीं पड़ता, बट अपने को ना एक्सटेंशन काफ़ी वो भी पड़ता है। तो भाई अभी जो अपने रूट मिला है ना भाई 5 ऑर्डर है। 5 ऑर्डर में लोकेशन 4 है, मतलब भाई सोसाइटी 4 है और एक ऑर्डर COD भी है। उन कस्टमर को मैंने फ़ोन किया, कस्टमर ने भाई फ़ोन उठाया नहीं। अब भाई बस डिलीवर हो रहा है, अच्छी बात है। मतलब सारे ऑर्डर डिलीवर होने टाइम से कोई दिक्कत नहीं है। और पहले मैं आपको अपना रूट बताऊँ, रूट कैसा मिला अपने को। तो जी भाई देख लो, ये 5 ऑर्डर है अपने पास, 10 नंबर 9 नंबर। ये दोनों एक सोसाइटी VVIP 13-12 है। सोसाइटी मतलब दो सोसाइटी आसपास सेवी विलेड है और एक और है यूनियन वाइट आई थिंक। और ये अगरवाला हिट, ये 11 नंबर। तो अपन 11 नंबर 13 नंबर 12 नंबर और इसके बाद भाई ये दोनों को मारेंगे 10 नंबर 9 नंबर। और भाई समरी में देख लो आप आके भाई 349 एक COD है और टाइम देख लो भाई 8:15। तो भाई 8:15 हो रहे हैं और अपनी कोशिश रहेगी अपन 8:30 तक तो पहुँचेंगे। एक्सटेंशन सोच रहे हैं भाई 8:30 तक फ्री हो जाए क्योंकि अपना थोड़ा काम था। एक्सटेंशन मतलब काम था नहीं, वो मैं कभी और करता। हाँ लेकिन अभी कर लूँगा, जा रहे तो जा ही रहा हूँ। तो बाकी यार फिलहाल निकलते हैं, फर्स्ट लोकेशन में मिलते हैं लोकेशन पहुँच कर, बिकॉज जल्दी फ्री होना है अपने को। फाइनल भाई अपन आ चुके हैं फर्स्ट लोकेशन पर अपने ऑर्डर की। और बाइक का सीन पता नहीं क्या है, आई थिंक अंदर लगेगी। तो भाई अपन इसको अंदर लगा देंगे। मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था ना भाई, तो बाइक के बाहर लगाई थी, अब अंदर क्यों लगा रहे आई डोंट नो। अंदर लग रही अच्छी बात है भाई। फिलहाल अपन कराते हैं एंट्री यहाँ पर एक, बिकॉज एंट्री इज कम्पल्सरी इन एवरी टाइम। तो अच्छी बात है। टायर के लिए रिपोर्टिंग लगा रखी है। हाँ भैया डिलीवरी के ब्लॉग आता हूँ, डिलीवरी के ब्लॉग आता हूँ डिलीवरी के। अप्रूवल नहीं आप ना अभी तक, टाइम भी हो गया ओवर भाई। पहले ऑर्डर पा के सीन हो गया, अपन आते हुए टाइम से टाइम 8:34 शो कर रहे वाला लिखा हुआ है इस पर। अमेजोन से ऑर्डर है आपका, फोटो क्लिक करनी पड़ेगी ना इसलिए। ठीक थैंक यू। तो फाइनली भाई कंप्लीट हो चुका अपना फर्स्ट ऑर्डर भी और अभी निकल रहे हैं अपन अपने सेकंड ऑर्डर की लोकेशन पे। और भाई पता है क्या, सेकंड ऑर्डर जहाँ का है ना अपना, थर्ड ऑर्डर भी उसके बराबर का ही है। मतलब कि भाई सोसाइटी बिल्कुल बराबर बराबर सोसाइटी है। पहले पड़ेगी अपनी यूनियन वाइट, फिर पड़ेगी साइविलिटी, सेकेंड नंबर यूनियन वाइट और थर्ड नंबर साइविलिटी। तो भाई निकलते हैं फिलहाल अभी सेकंड ऑर्डर की लोकेशन पे। लो जी भाई पहुँच चुके यूनियन वाइट, यहाँ का अपना सेकंड ऑर्डर है। तो भाई थोड़ी रैम्प, यहाँ थोड़ी ऊंची सी रैंप है, बाइक को करते साइड में खड़ी बिकॉज एंट्री करानी पड़ेगी ना पहले। पता भाई अपने को ना यहाँ लग गया एंट्री में काफ़ी टाइम, बिकॉज यार पहले अपन ने एंट्री कराई, उन्होंने कहा भाई हेलमेट उतार लो, हेलमेट उतारा, एंट्री कराई और एंट्री भाई फिर इंटरकॉम फ़ोन लगाया, तब जाके अप्रूवल हुआ है, तब जाके अपने को एंट्री मिली है। और अभी जो अपना टावर है ए टावर है। पता भाई जब थर्ड ऑर्डर है ना, बस ये यहाँ का मतलब ए टावर के सामने डी टावर है, सोसाइटी है दूसरी वाली। बट यार इसका ना एंट्रेंस तो आगे ही पड़ेगा ना, यहाँ से तो एंट्री है नहीं इसकी, इसके लिए अपने को घूम के आना पड़ेगा पूरा। पता भाई अपना ना यही ऑर्डर COD भी है, मतलब जहाँ पर अपना आए ना अभी यूनियन वाइट में, जहाँ पे अभी जा रहे हैं डिलीवरी देने सेकंड ऑर्डर पे, यही ऑर्डर COD भी है। कोरियर क्या लेके आए हो? अमेजोन बोलते हैं अमेजोन। तो सही अपन आ तो चुका फ्लोर पे, बट फ्लैट कौन सा होगा आई डोंट नो, देखते हैं कौन सा होगा फ्लैट। ऑर्डर है आपका, पेमेंट कैश यू पे? कैश में भैया। तो UPI कर दो क्या? बिल तो आपके फ़ोन से ही आएगा। ऑर्डर आपने किया है ना अमेजोन, चेक करिए आप, उसमें बिल भी लिखा होगा नीचे पूरा अमाउंट। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नेटवर्क की दिक्कत है क्या? कौन सी सिम है भैया? जियो। नहीं यार चल नहीं रहा बिल्कुल भी। वाईफाई ले लो। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। 349 ठीक है ना, थैंक यू। तो फाइनल बार डिलीवर हो चुका है सेकंड ऑर्डर भी भाई। ऑर्डर COD था, कस्टमर अपने को कर दिया कैश। और अभी अपन निकल रहे हैं यहाँ से अपने थर्ड ऑर्डर लोकेशन पे जो कि भाई सेविलिटी है। सोसाइटी बिल्कुल बराबर सोसाइटी है, यहाँ से अपने बाहर निकले हैं, यहाँ से अपने अंदर घुस जाएंगे एंट्री करा के। बस टावर भी यहाँ बिल्कुल सामने टक्कर भी पड़ेगा आई थिंक डी टावर, बाकी देख लेंगे अपन चल के। यहाँ तो काम चल रहा है सब तगड़ा वाला।
भाई अपनी एंट्री तो हो चुकी है, आई थिंक टावर साउंड वाला होना चाहिए, क्योंकि यार मैं ना एक्सटेंशन बहुत कम आता हूँ, तो मुझे ना यहाँ के टावर वावर सोसाइटी का इतना सीन याद नहीं है एक्यूरेट, मतलब कुछ भी कभी तो मेरे को मैप यूज़ करना पड़ता है ऑफलाइन मैप, बाकी कुछ लोकेशन ऐसी हैं जहाँ अपने को जरूरत नहीं है मैप की, सोसाइटी का नाम देखा और भाई पता अपने को कहाँ पे आना है कैसे जाना है, टावर भी अधिक तरह को पता है बट यहाँ एक्सटेंशन बहुत कम आता हूँ तो मुझे इसलिए यहाँ का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। भाई अपन आ तो चुके हैं, अपना फ्लैट किधर पड़ेगा, फाइनल भाई कंप्लीट हो चुका है अपना ये ऑर्डर भी, और अभी निकल रहे हैं अपन अपने और थोड़े लोकेशन पे जो कि भाई वीवीआईपी का, और पता भाई वीवीआईपी के अपने दो ऑर्डर हैं, ये अच्छी बात है, मतलब 40 वहाँ का ही 50 वहाँ का ही है, बस टावर अलग है, तो फिलहाल निकलता है सीधा वीवीआईपी के लिए, मिलते हैं आपसे लोकेशन पे। फाइनल भाई पहुँच चुके हैं लोकेशन पे 4th and 5th ऑर्डर की, सबसे पहले कहेंगे यहाँ पर अपन एक एंट्री, बिकॉज एंट्री के बिना कहाँ एंट्री होती है, देखो भाई सोसाइटी में एंट्री करने के लिए पहले एक एंट्री करानी पड़ती है भाई, अलग ही सिस्टम है भाई इनका भी, कराते भाई एक एंट्री दो है तुम्हारे एक का आगे रखो, कौन सा रहेगा क्यों वो लगा दो क्यों वाली भाई, अपने यहाँ के दो ऑर्डर जिसमें कि एक ऑर्डर के तो भाई अप्रूवल मिल गया, बट एक ऑर्डर का अप्रूवल नहीं मिला, तो अपन लगा रहे हैं फ़ोन, बिकॉज गार्ड भैया बोल रहे हैं मेरी बात, हेलो अमेजोन से ऑर्डर है मैं आपका, मैम गेट पे एंट्री कराइए, अप्रूवल नहीं मिला अभी तक, हाँ भैया मेरे वाले इस वाले नंबर पे करा दीजिए, बात कर लीजिए आप फोन गेट पे करना भैया बात, हेलो मैम वीवीआईपी, फाइनल भाई अपनी एंट्री यहाँ हो चुकी है, मतलब अपने को ना भाई दो ऑर्डर देने अपने यहाँ के दो ऑर्डरों में एक के तो कस्टमर ने अप्रूवल कर दिया, बट एक कस्टमर ने अप्रूवल नहीं करा, को ना फिर फ़ोन कराया अपन ने, तो फिर यार गार्ड वार्ड से बात कराई, अब जाके भाई अपनी एंट्री अप्रूव हुई है, और अभी चल रहा है अपन अपने फर्स्ट ऑर्डर लोकेशन पे, जो कि आई थिंक यू टावर है क्यू टावर था अपना, तो जो पड़ेगा पहले अपन उसको कर देंगे डिलीवर, पहले पड़ेगा अपना क्यू टावर जो कि यही टावर है, और बट उसका एंट्रेंस कहाँ से होगा, गार्ड तो यहाँ बैठा है, बाइक का लगाई जाए, काम करते बाइक को लगाते हैं इस तरह ताकि किसी को दिक्कत भी ना हो, ना ही गाड़ी वाले को ना ही निकालने वाले को, एक एंट्री कर देना क्यू टावर थी अमेज़ॉन, ये अब तो रस ना आता, चलो भाई टावर की एंट्री अप्रूव, चलते हैं अपन लिफ्ट से फ्लोर पे, गार्ड अंकल बोले उससे पहले अपन निकल लें, एक हेलमेट का इशू हो जाए, फ्लैट कौन सा पड़ेगा अपना, ये सुकर भाई फ्लैट अपने दरी वाला पड़ेगा, ऑर्डर है आपका, थैंक यू, चार आइटम है ठीक है, ओके लिफ्ट खड़ी तो चल रहे अपन लिफ्ट से, नहीं तो भाई अपन चलते थे पैदल, लिफ्ट नहीं होती थी, 33rd फ्लोर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकलते भाई अपने लास्ट ऑर्डर लोकेशन पे, जो कि पड़ेगा अपने एग्जिट गेट के पास, मतलब कि भाई इसका एग्जिट गेट ये वाला भी है वो वाला भी है, आप ये नहीं पता अपने को एग्जिट यहाँ से कर देंगे नहीं करने देंगे, क्योंकि जो पीछे जिधर से अपने एंट्री करी थी ना डिलीवरी बॉय, मतलब जो भी बंदे मतलब बाहर के बंदे आ रहे हैं उनकी एंट्री एग्जिट उधर से ही है, बाकी फिलहाल अपना पहले अपन देते हैं ऑर्डर, ऑर्डर के बाद देखते हैं कैसे नहीं बैठता है, लो जी भाई अपन आ चुके हैं एक्यूरेट, पहले करते हैं बाइक को खड़ी, आ तो चुके हैं भाई, गार्ड भी अभी सामने बैठे हैं, और अपना है 6th floor, जल्दी जल्दी एंट्री कराते हैं भाई, थैंक यू, छोड़ दो नहीं फटने, मैं पकड़ने ही कर रहा, ओके चलो भाई कंप्लीट हो चुका अपना ये वाला ऑर्डर भी, अभी लिफ्ट जा रही है ऊपर, तो अपन चल रहे पैदल 6th floor ही है, और भाई टाइम देख लो 9:25, फोकस हो रहा नहीं हो रहा, फोकस करना पड़ेगा, 9:25 भाई अपन चले सीढ़ी से नीचे, और भाई अपने को ना अभी आज 5 ऑर्डर मिले थे, 5 ऑर्डर में से जो अपने ने डिलीवर करे हैं 5 ही डिलीवर हुए हैं, बट एक ऑर्डर सी ओडी थे ना कस्टमर ने कैश दिया, वो भी अपने ने एडजस्ट कर दिया, भाई फर्स्ट ऑर्डर में थोड़ा इशू हुआ था, कस्टमर ने एंट्री का इशू कर दिया, सेकेंड में अपने को थोड़ा इशू हुआ था आई थिंक सी ओडी का, सेकेंड ऑर्डर पर सी ओडी था लेकिन डिलीवर होगा दिक्कत वाली बात नहीं है, और भाई थर्ड में अपने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कस्टमर ने थोड़ा मना कर दिया था, तो इस चक्कर में अपने ने रिकॉर्ड नहीं किया, भाई जो बंदा मना कर रहा है उसके लिए अपन करेंगे जो, और मुझे थोड़ा मतलब प्रश्नों देखते लगा मैंने भाई के मतलब बंदा कस्टमर ऐसे ही ना मतलब पूछने लगा बात मेरी, बाकी और फोर्थ पर्सन कोई दिक्कत नहीं, बाकी इसमें कहीं हैंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करना भाई, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, ओके जय जय भारत, बाकी इस तरह की अपडेट लेना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में।